हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग घोस्ट, जो कि हेनरिक इब्सन का काफ़ी फेमस प्ले है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो जो है काफ़ी इजी लैंग्वेज में होगा। वीडियो के थ्रू अगर आपका हेल्प होता है, वीडियो आपके सिलेबस का है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। घोस्ट इज़ ए प्ले रिटन बाय प्रोमिनेंट नॉर्वेजियन प्ले राइट हेनरिक इब्सन। मतलब घोस्ट जो है वो एक नाटक है जिसको कि लिखा गया था किसके, नॉर्वेजियन यानी नॉर्वे के एक प्लेराइट नाटककार के द्वारा, जो कि हैं हेनरिक इब्सन। लाइक मोस्ट ऑफ इब्सन्स प्ले, इब्सन्स के ज़्यादातर नाटकों के तरह ही घोस्ट इज़ ए स्केथिंग कमेंट्री और 19th सेंचुरी की मोरालिटी, नैतिकता पे एक तरह से ये कमेंट है, एक तीखा व्यंग है जो घोस्ट है, मतलब 19th सेंचुरी की सोसाइटी पर। इट वॉज रिटर्न ड्यूरिंग द ऑटम ऑफ 1881 के ऑटम के टाइम लिखा गया एंड पब्लिश्ड इन दिसंबर ऑफ सेम ईयर, और सेम साल मतलब सेम ईयर 1881 में इसको पब्लिश कर दिया गया। इट वॉज फर्स्ट स्टेज इन 1882, इसको पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया गया 1882 में इन शिकागो में। घोस्ट इज स्कैथिंग इंडाइटमेंट ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, फिर से ये इन क्या करता है एक तरह से, मतलब इन विक्टोरियन सोसाइटी की ना एक मतलब गलत काम, इट मीन्स कुछ बुरे चीज़ों को दिखाता है, ठीक है, उस टाइम की सोसाइटी में जो भी मतलब गलत हो रहा था उस चीज़ को दिखाता है। इन विच जिसमें इब्सन रिफ्यूट्स इस चीज़ का खंडन करते हैं द नोशन, इस विचारधारा का, दैट कि इफ वन सिंपली फुलफिल्स वंस ड्यूटी, कोई इंसान अगर सिंपली साधारणतः अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा हो, अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा हो, रेदर देन फॉलोइंग वंस डिजायर, अपने डिजायर अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के बदले अपने किसको फॉलो ड्यूटी को पूरा कर रहा है, देन गुड एंड नोबल लाइफ कैन बी अचीव्ड। तो इसे क्या हो सकता है कि एक नोबल लाइफ, एक अच्छी लाइफ अचीव्ड की जा सकती है। फिर आगे है स्कैंडलस इन इट्स डे, अपने टाइम में काफ़ी क्या रहा, स्कैंडलस रहा, इट मीन्स काफ़ी इसको क्रिटिसाइज किया गया फॉर इट्स फ्रैंक डिस्कशन, क्योंकि ये बहुत मतलब फ्रैंक रूप से, खुले तरीके से, एकदम मतलब फ्रैंक रूप से बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा फ्रैंक, इट मीन्स जिसके अंदर थोड़ा सा शर्म ना हो, इट मीन्स वैसा ही होता है। तो फ्रैंक रूप से इसमें डिस्कशन किया गया था किस चीज़ के बारे में, ऑफ वेनरल डिजीज। वेनरल डिजीज क्या होता है ना, जो किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आने से जो बीमारी हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल अभी HIV एड्स हो जाता है, तो वो एड्स उस टाइप की बीमारी में के बारे में इस पे बात किया गया था। एंड मैरिटल इनफाइडेलिटी, मैरिटल इनफाइडेलिटी यानी शादी में अगर किसी का भी अफेयर किसी से हो जाता है, मतलब कोई शादीशुदा पेयर है, मेल हो फीमेल हो, तो दोनों में से किसी का भी अफेयर किसी के साथ हो जाता है, इस चीज को दिखाया गया था। एंड इंसेस्ट, इंसेस्ट क्या होता है ना कि फैमिली में ही एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशन हो जाना कि जो आपके मतलब इतने क्लोज है, फिजिकल रिलेशन हो जाना कि आप उससे शादी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो फैमिली में ही, तो इस वजह से ये इस तरीके के रिलेशनशिप को दिखाता था। इट इमीडिएटली जनरेटेड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रोवर्सी, तो ये सब बातें उस टाइम जो है काफ़ी नॉर्मल नहीं थी, ठीक है, उस टाइम नॉर्वे में, तो ये इस वजह से यहाँ उस टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुआ इस चीज़ को लेके, इस प्ले को लेके, एंड निगेटिव क्रिटिसिज्म, और बुरे तरीके से इस वर्क को जज भी किया गया था। फिर आगे है द प्ले इज सेट इन लेट 19th सेंचुरी, प्ले की सेटिंग लेट आखिरी के 19th सेंचुरी में रखी गई है नॉर्वे में, इन द रोजन वर्ल्ड, द स्टेट ऑफ मिसेज एल्विंग का जो घर था रोजन वर्ल्ड में सेटिंग रखी गई है। ए वेल्दी वीडो, जो कि एक पैसे वाली वीडो है, विधवा है, सी प्रिपेयर्स टू ओपन ए न्यू ऑर्फेंज, जो कि तैयारी कर रही है एक ऑर्फेंज, इट मीन्स एक अनाथालय खोलने की, इन मेमोरी ऑफ हर डेथ हस्बैंड, अपने मरे हुए हस्बैंड के याद में। फिर आगे है द ऑथर ऑफ द घोस्ट, इस जो हम लोग का जो पोए मतलब प्ले है द घोस्ट, उसके जो ऑथर है नॉर्वेजियन प्ले राइट है, एक नॉर्वे के प्ले राइट है। अब हम लोग ऑथर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे इस वाले सेक्शन में, हम लोग मतलब नॉर्मली प्ले का जो होता है इंट्रोडक्शन पढ़ें, अब ऑथर के बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत। नॉर्वेजियन प्ले राइट मतलब एक जो नॉर्वेजियन प्ले राइट है एंड ए डायरेक्टर, और एक डायरेक्टर भी है जिनका नाम है हेनरिक जोहान इब्सन, ठीक है, पूरा नाम ये है। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ रियलिज्म, हेनरिक इब्सन फादर ऑफ रियलिज्म के रूप में भी जाने जाते हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्ले राइट ऑफ हिज टाइम, अपने टाइम के वन ऑफ द प्रमुख मतलब इन्फ्लुएंशियल नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। ही इज ऑल्सो रिफर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर, फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है, इन दोनों को आप अंडरलाइन कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको तो कर रखे हैं। आफ्टर शेक्सपियर के बाद ही इज कंसिडर्ड एज सेकेंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ड्रामाटिस्ट, सेकेंड मोस्ट
मतलब प्रभावशाली ड्रामाटिस्ट के रूप में, नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, एंड पोएट ऑफ 19th सेंचुरी, और पोएट के रूप में जाने जाते हैं 19th सेंचुरी के, ठीक है। शेक्सपियर के बाद इन्हीं का स्थान आता है हेनरिक इब्सन का। हेनरिक इब्सन मेजर वर्क्स इंक्लूड में, हेनरिक इब्सन के मेजर वर्क्स में शामिल है ब्रैंड, एन एनिमी ऑफ द पीपल, ए डॉल्स हाउस काफ़ी फेमस है, इस पर हम वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं। दो वर्क जो है ना हेनरिक इब्सन का काफ़ी फेमस है, एक ए डॉल्स हाउस और एक और कौन है घोस्ट, जो अभी हम लोग रिसेंटली पढ़ रहे हैं। द वाइल्ड डक, वैन वी डेड अवेकन, एंड द मास्टर बिल्डर, ठीक है, ये काफ़ी फेमस वर्क है। अदर प्ले राइट, दूसरे जो नाटककार हैं, नॉवलिस्ट हैं, जो नॉवल लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, सच है जैसे कि जेम्स चोए, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, ऑस्कर वाइल्ड एंड यूजीन ओनिल, वे आर ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय इब्सन। ये सब काफ़ी, ये सब जो ऑथर हैं, ये सब काफ़ी प्रभावित हो रखे थे किससे, हेनरिक इब्सन से। अब आगे हैं, द प्ले स्टार्ट विथ मिसेज एल्विंग, जो प्ले शुरू होती है मिसेज एल्विंग से होती है, हु डिसाइडेड टू ओपन ए ऑर्फेज, जो कि डिसाइड करती है एक अनाथालय खोलने का, इन मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड डेथ, अपने हस्बैंड की डेथ के याद में, हस्बैंड कैप्टन एल्विंग, जिनका की नाम है कैप्टन एल्विंग, ठीक है। इट इज 10th डेथ एनिवर्सरी ऑफ हर हस्बैंड डेथ, उनके मतलब पति की मृत्यु का ये 10वां साल है, साल मतलब चल रहा है। एंड द ऑर्फेंस ग्रैंड ओपनिंग इज द नेक्स्ट डे, और ऑर्फेंस जो अनाथालय खुला है उसकी जो ओपनिंग रखी गई है वो अगले दिन रखी गई है। हाउ एवर, हालांकि सी इज नॉट हैप्पी विथ हर हस्बैंड बिकॉज ही ड्रिंक्स अ लॉट, हालांकि वो अपने हस्बैंड से ज्यादा, बहुत ज्यादा खुश नहीं रहती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था। पैस्टोर मेंडर्स, अब पैस्टोर मेंडर्स कम्स टू द एल्विंग हाउस होल्ड, एल्विंग के घर आता है पैस्टोर मेंडर्स टू स्पीक विथ मिसेज एल्विंग, मिसेज एल्विंग से बात करने के लिए अबाउट द ऑर्फेंज, ऑर्फेंज के बारे में। पैस्टोर मेंडर्स इज इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग द ऑर्फेंज फाइनेंस, ऑर्फेंज के फाइनेंस से रिलेटेड सारा काम जो है पैस्टोर मेंडर्स ही देखता था, तो वो बात करने आता है मिसेज एल्विंग से। मिसेज एल्विंग सन्स, मिसेज एल्विंग का जो बेटा है ऑसवर्ल्ड, वो हैज रिसेंटली कम होम, वो रिसेंटली मतलब तुरंत ही अभी घर आया है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन ए लॉन्ग वाइल, मतलब लंबे समय के बाद, रिटर्निंग फ्रॉम पेरिस, पेरिस से मतलब वापस आने के बाद। एल्विंग कंटिन्यू देयर कन्वर्सेशन, इस कन्वर्सेशन, अब एल्विंग जो है अपने कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखती है। ऑसवर्ल्ड एंटर्स, ऑसवर्ल्ड जो है एंटर प्रवेश करता है, ग्रीट्स देम बोथ, दोनों को नमस्कार करता है, डिस्पाइट द पैस्टर्स फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस मतलब पेस्टर जो आया हुआ है बात करने के लिए, पेस्टर मेंडर्स, उसके फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस बिहेवियर के बावजूद ऑसवर्ल्ड इज हेजिटेट, ऑसवर्ल्ड क्या हो रहा था, हेजिटेट हो रहा था, थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था उसके अंदर, टू सो गुड विल टुवर्ड्स मेंडर्स, वो मेंडर्स को लेके कुछ मतलब अच्छा ही नहीं दिखा पा रहा था। एक होता है ना कि हाँ चलो ठीक है बड़े हैं तो नमस्कार कर लिया, लेकिन वैसा कुछ फील नहीं और कर पा रहा था कि हाँ नॉर्मल रिएक्ट करें उस टाइम। वंस ऑसवर्ल्ड, ऑसवर्ल्ड हैज लेफ्ट द रूम, जैसे ही ऑसवर्ल्ड वहां पे मतलब रूम से जाता है बाहर, पेस्टर मेंडर्स टेल्स मिसेज एल्विंग, पेस्टर मेंडर्स जो है मिसेज एल्विंग को कहता है दैट ही हैज समथिंग टू से टू हर, कुछ उसके पास है उसको कहने के लिए। ही री अप्रोचेज हर, वह उसकी निंदा करता है फॉर लिविंग हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को छोड़ने के लिए, इन द अर्ली स्टेज ऑफ देयर मैरिज, अपने शादी के शुरुआती दिनों में वो हस्बैंड को छोड़ी थी, तो उस वजह से उसकी निंदा करता है। अपरेंटली मिसेज एल्विंग लेफ्ट कैप्टन एल्विंग शॉर्टली आफ्टर देयर वेडिंग, तो ये जाहिर तौर पे कंफर्म है कि मिसेज एल्विंग क्या की थी, शादी के जस्ट तुरंत बाद मिस्टर कैप्टन एल्विंग को क्या की थी, छोड़ दी थी, बिकॉज क्योंकि ही हैज बिहेविंग लाइक एन एल्कोहलिक, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब एल्कोहलिक थे, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, एंड एडल्टरर, एडल्टरर इट मीन्स जिनका अफेयर हो दूसरी वुमेन के साथ, तो वो भी चीज था, इस वजह से छोड़ दी थी। सी वेंट टू पेस्टोर मेंडर्स, और उस टाइम वो क्या की थी मिसेज एल्विंग, पेस्टोर मेंडर्स जो भी आया हुआ है ऑर्फेंस का, जो मतलब उस अनाथालय का जो इंचार्ज है फाइनेंस का, तो उसी के घर चली गई थी उस टाइम, ठीक है। बट मेंडर्स इंसिस्टेड दैट सी रिटर्न होम, लेकिन मतलब मेंडर्स उसको बोलता है कि उसको घर जाना चाहिए, ठीक है। फर्दर मोर ही अक्यूजेज मिसेज एल्विंग, फिर आगे वो फिर से दोष आरोप लगाता है मिसेज एल्विंग पे ऑफ बीइंग ए बैड मदर, की एक बुरी माँ होने का, फॉर सेंडिंग ऑसवर्ल्ड अवे फ्रॉम होम एज ए चाइल्ड, कि एक बच्चे के रूप में तुम कैसे ऑसवर्ल्ड को इतनी दूर भेज दी, घर से दूर भेज दी, तो बोलता है कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो। आर्ग्यूइंग दैट चिल्ड्रन शुड रिमेन विद देयर पेरेंट्स, ये बोलते हुए कि चिल्ड्रन को क्या होना चाहिए, अपने माता पिता के साथ रहना चाहिए। कॉलिंग हर सेल्फिश, उसको सेल्फिश बुलाता है, ही सेज दैट, फिर वो कहता है दैट मिसेज एल्विंग सेंट ऑसवर्ल्ड अवे, क्योंकि मिसेज एल्विंग जो है क्या मतलब उसका कहना है कि मिसेज एल्विंग जो है अपने बच्चे को दूर भेज दी, बिकॉज क्योंकि सी कुडंट
हैंडल द, क्योंकि वह हैंडल नहीं कर पा रही थी प्रेशर ऑफ मदरहुड, कि वो अभी तुरंत माँ बनी थी और चीज को हैंडल नहीं कर पा रही थी, इस वजह से ऑस्वाल्ड को बाहर भेज दिया. ऐसा ये सब आरोप लगाता है कौन? पैस्टर मेंडर्स मिसेज एल्विंग पे. आफ्टर लिसनिंग टू द पैस्टर स्पीक, पैस्टर के सारा कुछ सुनने के बाद मिसेज एल्विंग इन्फॉर्म हिम, मिसेज एल्विंग उसको बताती है दैट ही इज टॉकिंग अबाउट थिंग्स अबाउट विच ही नोज वेरी लिटिल, कि तुम बताती है कि तुम वैसे चीज के बारे में बात कर रहे हो जिसके बारे में तुमको बहुत थोड़ा, मतलब थोड़ा बहुत पता है. सी टेल्स पैस्टर, वह पैस्टर को बताती है कि कैप्टन एल्विंग नेवर रिफॉर्म्ड हिमसेल्फ, कि अभी भी कैप्टन एल्विंग ने खुद को बदलने की या थोड़े सुधार लाने की कभी कोशिश नहीं की है खुद में. इन रियलिटी, रियलिटी में ही कंटिन्यू टू ड्रिंक हैवली, कन्फर्म मतलब वो क्या करते थे, वास्तविकता में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे एंड स्लीप विथ अदर वुमेन, और दूसरी औरतों के साथ सोते थे, इट मीन्स उनका रिलेशन था. बट मिसेज एल्विंग हेल्पिंग हिम, लेकिन मिसेज एल्विंग उनकी मदद करती थी, प्रेजेंट हिमसेल्फ एज ए रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, कि मतलब खुद को प्रेजेंट कर सके एज ए रिस्पेक्टेबल मेंबर, एक अच्छे आदमी के रूप में सोसाइटी के सामने. मतलब इतना ड्रिंक करने के बावजूद, दूसरी औरत के साथ अफेयर होने के बावजूद भी, मतलब मिसेज एल्विंग है कि उसको एक्सेप्ट की हुई थी कैप्टन एल्विंग को, ताकि मतलब सोसाइटी में बदनामी ना हो कैप्टन एल्विंग की. सी एक्सप्लेन्स, वह बताती है, सी हियर कैप्टन एल्विंग अप्रोचेस द मेड जोआना, कि वो सुनी थी कि एक बार अप्रोच कर रहे थे, मतलब कुछ, मतलब फिजिकल रिलेशन के लिए उसकी मेड जोआना को. मिसेस एल्विंग वाज इन द रूम, इन द वेरी रूम, मिसेस एल्विंग दूसरे रूम में थी, इन विच सी एंड मेंडर्स नाउ सिट, जिसमें कि मेंडर्स और वो, मतलब मिसेस एल्विंग अभी बैठी हुई है उसी रूम में थी. एंड सी हियर्ड, और वो सुनती है, कैप्टन एल्विंग मेक ए सेक्सुअल एडवांस ऑफ जोआना, जोआना के साथ कुछ शारीरिक संबंध बना रहे कैप्टन एल्विंग, ठीक है, अपने पति के बारे में वो बता रही है अब पैस्टर मेंडर्स को. दिस एस्टोनॉइड्स मेंडर, और ये सुनने के बाद जो मेंडर्स है ना, काफी आश्चर्यचकित हो जाता है. कंटिन्यूइंग हर स्टोरी, अपने स्टोरी को कंटिन्यू रखते हुए मिसेस एल्विंग सेज दैट, मिसेस एल्विंग कहती है कि दिस वॉज वेन सी डिसाइडेड टू, और यह तभी हुआ जब वह डिसाइड की टू सेंड यंग ऑस्वेल्ड अवे फ्रॉम होम. ये सब होने के बाद वो डिसाइड की कि वो अपने बच्चे जो है ऑस्वेल्ड को घर से दूर भेज देगी, फियरिंग दैट कैप्टन एल्विंग वुड निगेटिवली इन्फ्लुएंस द बॉय, कैप्टन एल्विंग का बुरा असर मतलब इस लड़के पे भी पड़ जाएगा, तो इस वजह से वो अपने बच्चे को दूर भेज देती है. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, सी डिडंट लेट ऑस्वेल्ड कम होम अंटिल आफ्टर हिज फादर हैड डाइड, और इस वजह से क्या कि वो तब तक अपने बेटे को घर वापस नहीं बुलाई जब तक उनके पिता की मृत्यु नहीं हो गई. शॉर्टली आफ्टर मिसेज एल्विंग एक्सप्लेन, और कुछ मिसेज क्या एल्विंग के एक्सप्लेन करने के कुछ समय बाद, बोथ दोनों सी एंड पैस्टर मेंडर्स हियर्स, बोथ दोनों सुनते हैं पैस्टर मेंडर्स और मिसेज एल्विंग, ऑस्वेल्ड मेक ए सेक्सुअल एडवांस ऑन रेजिन इन द एडजेसेंट रूम, कि उसके बगल वाले रूम में जो ऑस्वर्ल्ड है वो रेजिन एक मेड है उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. रैटल्ड मिसेज एल्विंग, अब परेशान हो गई है पूरे मिसेज एल्विंग, सेज कहती है दैट हियरिंग दिस मेक्स हर फील लाइक, और यह सब सुनने के बाद उसको लगता है, मतलब जब जैसे उनको पता चलता है कि बगल वाले रूम में उनका बेटा रेजिन के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, तो उसको लगता है सी कन्फ्रंटिंग द घोस्ट ऑफ हर पास्ट, कि उसके पास मतलब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है उसके साथ जैसा उसके साथ पास्ट में हुआ था. इट मीन पास्ट में वो देखी थी कि जोआना जो उसकी मेड है उसके साथ उसका हस्बैंड रिलेशन बना रहा था, और आज की डेट में वो देखती है कि उसका बेटा रेजिन जो है मतलब मेड है उसके साथ रिलेशन बना रहा है, तो ये चीज मतलब उसको लगता है कि कैसे उसके पास्ट का जो घोस्ट, इट मीन्स प्रतिछाया प्रतिबिंब, सेम चीज रिपीट हो गया है, ठीक है. एंड सी रिवील्स टू पैस्टर मेंडर्स, और वो पैस्टर मेंडर्स को बताती है रेजिन इज द डॉटर ऑफ जोआना एंड कैप्टन एल्विंग, जोआना और कैप्टन एल्विन की डॉटर है रेजिन, ठीक है, इट मीन्स इन दोनों का अफेयर था तो इस वजह से इनकी जो डॉटर है रेजिन है, जैसे कि अभी ऑस्वेल्ड का अफेयर होने वाला है, बट जबकि ये दोनों कौन है, स्टेप भाई बहन है, मतलब स्टेप ब्रदर सिस्टर है. मिसेस एल्विंग टेल्स हिम, मिसेस एल्विंग उसको बताती है दैट कैप्टन एल्विंग गेव जोआना ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, कि कैप्टन एल्विंग क्या किए, जोआना को ढेर सारा पैसा दिए टू लाई अबाउट, झूठ बोलने के लिए, हु इम्प्रेग्नेंटेड हर, कि कौन उसको प्रेग्नेंट किया. जोआना टोल्ड इंग्स्ट्रैंड दैट ए वेल्दी फॉरेन शेलर इम्प्रेग्नेंटेड हर, कि एक वेल्दी पैसे वाला जो बाहर से सेलर आया हुआ था, नाविक आया हुआ था, वो उसको प्रेग्नेंट किया. जोआना जाके एक्सट्रेंड को बोलती है एंड गेव हर मनी, और उसको पैसे दिया टू कीप क्वाइट, छुप रहने के लिए अबाउट इट, इस चीज को लेके. एंड शी अल्टीमेटली कन्विंस्ड एक्सट्रेंड, और वो कन्विंस कर लेती है, मना लेती है एक्सट्रेंड को टू मैरी हर, कि उसे शादी कर ले एंड प्रिटेंड टू बी रेजिन्स ट्रू फादर, और प्रिटेंड करे कि वो रेजिन्स का मतलब सच्चा पिता रेजिन्स का है, ठीक है. Later, Extrant also works in Mrs. Elving's household. अब मतलब
एक्सटेंड भी है जो है मिसेस एल्विन के घर में ही काम करने लगा था। एक्सटेंड एंड मेंडर्स, एक्सटेंड और मेंडर्स सेट ऑफ टू ऑर्गेनाइज द सेरेमनी। अब जो ऑफेंज का उद्घाटन होने वाला है तो दोनों मतलब एक्सटेंड और मेंडर्स दोनों जाते हैं मतलब सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करने। मिसेस एल्विन स्पेंड्स टाइम विद ऑसवेल्ड, मिसेस एल्विन जो है टाइम स्पेंड करती है ऑसवेल्ड के साथ। एट दैट टाइम उसी समय ऑसवेल्ड टेल्स हिज मदर, अपनी मदर को बताता है दैट ही इज क्वाइट इल, कि वह बहुत ज्यादा बीमार है। एक्सप्लेनिंग दैट यह बताते हुए ही वेंट टू ए डॉक्टर इन पेरिस, की पेरिस में वो जब था तो वो एक डॉक्टर के पास गया था। हु टोल्ड हिम, जो उसको बताएं हिम दैट ही हैज, कि उस ही हैज सिफिलिस, कि उसको एक सिफिलिस है। सिफिलिस फिर से हम बता दिए कि वेंड्रल डिजीज है जो किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से होता है। और ये डिजीज जो है ऑसवेल्ड में कैसे आया, उसकी माँ के थ्रू आया। इट मीन्स कैप्टन एल्विंग जो मतलब सेक्सुअली रिलेशन बनाते थे बहुत सारे वुमेन के साथ, उनको ये डिजीज था। और वो डिजीज फिर उस कैप्टन एल्विंग से मिसेज एल्विंग में आ गया, और मिसेज एल्विंग जब बच्चे को बर्थ दी ऑसवेल्ड को, तो ये डिजीज ऑसवेल्ड को भी आ गया। ठीक है। एट प्रेजेंट टाइम में रजीन वर्किंग एज ए मेड, मेड के रूप में काम कर रही है फॉर मिसेज एल्विंग, मिसेज एल्विंग के लिए। एंड एक्सटेंड चाहता है टू ओपन ए होटल फॉर सेलर, की सेलर्स के लिए वो एक होटल खोले। हाँ इवर, हालांकि ही ऑल्सो सेज दैट, वह यह कहता है ही वॉन्ट्स रजीन टू हेल्प हिम इन होटल, कि वह चाहता है कि उसकी जो बेटी है रजीन वो हेल्प करे उसके होटल में। लिविंग हर जॉब एट मिसेज एल्विंग हाउस, की मिसेज एल्विंग में जो एक मेड के रूप में काम कर रही है उस चीज़ को छोड़ के मेरी हेल्प करे होटल में। बट रजीन टेल्स स्ट्रेंथ टू लिव, बट रजीन जो है स्ट्रेंथ एक्सटेंड को बोलती है जाने के लिए। एंड ही जस्टिसेज हर फॉर नॉट बीइंग ए ड्यूटीफुल डॉटर, और वह उसको मतलब थोड़ा चिल्ला के बोलता है कि तुम एक अच्छी डॉटर नहीं हो, तो मतलब थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो वो बोलता है ये चीज़ की गुस्सा में कि वो तुम एक अच्छी डॉक्टर नहीं हो जो अपने कर्तव्य को निभा सकी। जस्ट देन तभी क्या होता है, रजीन लुक्स आउट द विंडो, विंडो से रजीन देखती है एंड सीज और देखती है दैट द ऑर्फेंज इज इनगल्फ्ड इन फ्लेम, की ऑर्फेंज जो है अनाथालय जो है उसमें पूरा आग लगा हुआ था। आफ्टर द ऑर्फेंज हैज बर्न्ड, अब ऑर्फेंज के जलने के बाद इंसिस्ट यानी जोर डालता है पैस्टर मेंडर्स पे, इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फायर, की जो पैस्टर मेंडर्स है वही इस फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो ऑर्फेंज में आग लगी है। रजीन लर्न्स अबाउट ऑसवेल्ड्स इलनेस, रजिन को अब ऑसवेल्ड की बीमारी के बारे में पता चला। एट विच पॉइंट, जिस समय मिसेज एल्विंग टेल्स हिम, मिसेज एल्विंग उसको बताती है, ये भी बताती है देम दैट कैप्टन एल्विंग वॉज रजिन्स ट्रू फादर, कि कैप्टन एल्विंग जो है रजीन के ट्रू पिता हैं मतलब सच्चे पिता हैं। अपॉन हियरिंग दैट, और यह सुनने के बाद रजीन इमीडिएटली लिव्स, वहां से रजीन क्या करती है चली जाती है। व्हेन रजीन इज गॉन, अब जब रजीन चली गई है, ऑसवेल्ड टेल्स हिज मदर, ऑसवेल्ड अपनी माँ को बताता है दैट सी विल नीड टू एंथुसियाज्म हिम, कि उसको मतलब एंथुसियाज्म यानी नशे का जरूरत पड़ेगा। व्हेन एवर हिज सिकनेस ओवरकम हिम, जब उसके ऊपर उसकी बीमारी जब बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी। मिसेज एल्विंग इनिशियली रिफ्यूजेज, पहले तो मिसेज एल्विंग इस चीज के लिए पूरा मना कर देती है। सी इवेंचुअली टेल्स हिम दैट सी विल गिव हिम द पिल्स इफ इट बिकम्स नेसेसरी, वो बोलती है क्या कि वो तभी पिल्स देगी जब वो मतलब जरूरी हो जाएगा, दवाई मतलब नशा करना जरूरी हो जाएगा तभी वो अपने बेटे ऑसवेल्ड को पिल्स देगी, क्योंकि कोई भी माँ नहीं देगी। तो वही मिसेज एल्विंग भी वही करती है। एट द एंड ऑफ द प्ले, इस प्ले के अंत में मिसेज एल्विंग स्टैंड्स बिफोर हर सन, अपने सन के सामने खड़ी है विद द मॉर्फिन के साथ, इट मीन्स अफीम जो नशा का पदार्थ होता है उसके साथ खड़ी है, अनश्योर ऑफ व्हाट टू डू, और इस चीज के लिए अनश्योर है कि वह क्या करेगी। इट मीन्स उसको नशा करने के लिए अफीम देगी या फिर नहीं देगी। दस इस प्रकार द प्ले घोष्ट, जो हम लोग का प्ले है घोष्ट, डिपिक्टिंग द इमोरलिटी दैट वॉज इनहेरेंट इन द सोसाइटी ड्यूरिंग 19th century के समाज में जो भी बुराई थी या जो फिर इमोरलिटी यानी अनैतिकता थी उस चीज को दिखाती है जो हम लोग का जो प्ले है द घोष्ट। द प्ले हैज सेवरल थीम्स, प्ले का ढेर सारा विषय है, सच एज जैसे कि रेप्यूटेशन, सेल्फ सेक्रीफाइस, द पास्ट, इनहेरिटेंस, वेल्थ, मोरालिटी एंड मैनी मोर, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये सब प्ले का सब्जेक्ट है, इट मीन्स विषय है, इसी सब विषय पे प्ले नॉर्मली डिपेंड है। अब आगे है शो, नाउ वी कैन से दैट, इस प्रकार अब हम लोग कह सकते हैं घोस्ट इज द बेस्ट प्ले ऑफ हेनरिक इब्सन, या ये भी लिख सकते हैं घोस्ट इज द वन ऑफ द बेस्ट प्ले ऑफ हेनरिक इब्सन। घोस्ट जो है हेनरिक इब्सन की वन ऑफ द बेस्ट प्ले मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।